वेलकम बैक एवरीवन। आज की हमारी वीडियो सीएस रैंक पुशिंग के ऊपर है, जहां आज हम साथ में मिलकर सीखेंगे व्हाट इज गुड मोको और ड्रेकी पेट, हाउ टू रश ऑन कटलिस्ट टू एल शेप, बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ फैक्ट्री राउंड, नेक्स्टरा मैप, फार्मोटोपिया सीक्रेट और भी कई सारे ट्रिक्स। उससे पहले हमें ये देखना होगा व्हाई उल्फरा प्लस मारो इज परफेक्ट फॉर सीएस रैंक। यस गाइस, अभी के टाइम पे ये दो जो कैरेक्टर है, अगर गेम में आप लोग साथ मिलकर यूज करेंगे, उल्फरा भी और मारो भी, एक परफेक्ट कॉम्बो बैठता है। कैसा? तो आ जाओ दिखाता हूं। यहां पे देखो, मैं थोड़े टाइम के लिए गाइस कहीं पे चला गया था, तो गाइस मेरा फ्रेंड्स वगैरह जो टीममेट था वो बहुत आगे चला गया था। यहां पे देख पा रहे हो, वो लोग फाइट कर रहे थे और मैं वहीं पे था, लेकिन मैं जैसे यहां पे आया मेरे पास देख सकते हो गाइस मेरा टीममेट सब, देखो गाइस कितना स्ट्रांग है एनिमी भी, ठीक है। अब यहां पे देखो मेरा टीममेट नॉक हो गया, लेकिन मुझे पता था मेरे पास मारो है एंड उल्फरा है, तो गाइस मुझे डरने की बात नहीं है, स्काइलर तो है ही गाइस, ठीक है। यहां पे देख पा रहे हो गाइस, यहां पे गाइस मैंने लॉन्ग रेंज से मारा, क्योंकि मारो है गाइस, यहां पे मारो क्या काम करता है लॉन्ग में और दो गुना डैमेज देता है गाइस, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम लोग उल्फरा यूज कर रहे हैं लीम्स वगैरह में मारेंगे तो और दो गुना डैमेज देता है, मतलब गाइस डबल धमाका डैमेज मिलने वाला है। इसलिए यहां पे देख पा रहे हो गाइस मेरे स्काइलर भी मारा, लेकिन कुछ काम तो नहीं आया, लेकिन यहां पे देखो मैं रिवाइव करने गया, लेकिन यहां पे देखो बंदा आके वो खुद से मुझे मार गया गाइस, ठीक है, मेरे सामने मर गया। अब देख पर मतलब समझो गाइस, कांसेप्ट समझो, उल्फरा हो गया डैमेज का किंग, मारो भी है डैमेज का किंग, तो दोनों साथ मिलकर यूज करेंगे और डैमेज मिलेगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ फैक्ट्री राउंड, ऐसा क्यों स्कैन को मैं आपने क्यों बोला, तो देखो फैक्ट्री में नया गाइस एक मिस्टेक होता है, बहुत बंदे को अभी तक पता नहीं कि मिस्टेक अभी हो रहा है, ठीक है, पहले नहीं होता था, अब हो रहा है। कैसा? तो दोस्तों यहां पे देखो, ये फैक्ट्री का जो राउंड है, यहां पे गाइस बहुत अच्छे-अच्छे बंदे आए थे सामने, ठीक है, ओपोनेंट में, लेकिन ये लोग क्या गलती करता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मिस्टेक कहां से शुरू होता है वो भी बताऊंगा, ठीक है। पहले सब चीज नॉर्मल चल रहा, सब चीज नॉर्मल सही चल रहा, ठीक है। यहां पे देखो एक एनिमी पीछे से आया गाइस, मैं मानता हूं ये एनिमी गाइस गलत नहीं कर रहे, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन देखो गाइस जैसे ये उकोंग बन के आ रहा है इसको मैं खत्म कर दिया गाइस, ठीक है। यहां पे देखो ये सब चीज सही चल रहा है, यहां पे एनिमी का अभी मिस्टेक नहीं शो करूंगा, ठीक है। मिस्टेक कहां शुरू होता है, अब शुरू होता है, अब देखो गाइस, ठीक है। यहां पे देखो जैसे हम लोग गाइस बंदे ढूंढ रहे गाइस, ठीक है। अब जो बाकी के दो बंदे बचे हैं वो क्या किए, वो ऊपर भाग गए गाइस, ठीक है। अब देखो गाइस यहां पे जो हुआ एंड जोन आने वाला गाइस, ठीक है। अब एंड जोन में आपको पता है सेफ जोन पड़ता है मूविंग जोन, मतलब गाइस आपको पता है, यहां पे देखो गाइस स्क्रीन पे आपको पता है मूविंग जोन पड़ चुका है, अब उनको नीचे आना पड़ेगा। अब वो क्या करते हैं, धीरे-धीरे आता है एंड गाइस यहां पे देखो बंदा मर चुका है गाइस, ठीक है। अब एक और बंदा सामने के ट्राई आने का कर रहा है गाइस, ठीक है। यहां पे देखो गाइस हम लोग नेट भी मार रहे हैं, लेकिन यहां पे देखो गाइस क्या हुआ, अब वापस से वो बंदा नीचे आने की कोशिश कर रहा है एंड इसी देखते देखते इसको भी गाइस मैं यूएमपी से खत्म कर देता हूं। अब मिस्टेक यही था कि ये लोग, इनको पता नहीं कि अब अभी के टाइम पे मूविंग जोन आ चुका है, मूविंग जोन कहीं पे भी पड़ जाता है, ठीक है। तो गाइस इसीलिए मैं चाहता हूं आप लोग ऊपर में भरोसा मत रखो, नीचे आके खेलो गाइस, ठीक है। तो एक एनिमी का मिस्टेक था जिसे मैं शोकेस करके बताया, आप लोग मत करना, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि व्हाट इज गुड मोको और ड्रेकी पेट, क्योंकि अभी के टाइम पे मोको भी लोकेशन बताता है एनिमी का एंड ड्रेकी भी बताता है लोकेशन एनिमी का। अब भाई किसको यूज करें हम लोग, तो देखो गाइस आप लोग किसी एक चीज को यूज करो, अगर आपका स्किल बन चुका है बहुत तगड़ा गाइस, ठीक है, एंड तगड़ा से भी तगड़ा बन चुका है गाइस, ठीक है, आप लोग मोको यूज नहीं कर रहे तो आप लोग ड्रेकी यूज करो गाइस, ठीक है। अगर आपका स्किल थोड़ा सा मतलब ऐसा स्किल है, नॉर्मल स्किल है, तो आप लोग मोको यूज करो ताकि रैंडम का भी मदद हो जाए, तो गाइस कोई टेंशन नहीं, ड्रेकी यूज करने की जरूरत नहीं, मोको में काम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग दोनों यूज करना है तो गाइस मैं मानता हूं गाइस दोनों यूज करने का फायदा नहीं है, मोको से काम हो जाएगा, ठीक है। अभी के टाइम में ड्रेकी बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप लोग यूज कर सकते हो वैसे भी, ठीक है। और हाँ, डोंट यूज सीएस रैंक पेड केंटा एबिलिटी। अब गाइस मैंने ये स्टेटमेंट आपको क्यों बोला, डोंट यूज केंटा, आखिर क्यों भाई? तो देखो केंटा एक बहुत मतलब लो पावर कैरेक्टर है अभी के टाइम पे, क्योंकि फ्री फायर इसको बर्बाद करके रख दिया, ठीक है। केंटा को पहले बहुत अच्छा था यार, अभी के टाइम में बहुत बर्बाद कर दिया। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, इसका लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूं, प्लीज आ जाओ। देखो आप लोग मेरे छोटे भाई जैसे और एक बड़े भाई जैसे हो, तो इसलिए मैं आपको कंफ्यूज करके नहीं रखूंगा और केंटा का सीक्रेट बता ही देता हूं, ठीक है। तो केंटा काम कर रहा है, देखो केंटा मैं लेके आया और इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं उस दिन ना केंटा इसलिए लेके आया था, मैं सोचा केंटा काम अच्छा कर रहा होगा, लेकिन यहां पे क्या हुआ, देखो गाइस केंटा का मैं जैसे एबिलिटी यूज कर रहा, ठीक है, यहां पे देखो मैंने सोचा केंटा के ऊपर बंदा है यार, ये काम करते घर का ऊपर बंदा ना, इसे रश करते, ठीक है। यहां पे देखो मैं जैसे रश करने गया, यहां पे देखो मैं इस बंदे को मार रहा हूं, ठीक है, यहां पे पीछे से कोई बंदा मार रहा है, साथ ही साथ यहां पे देखो गाइस सही से मैं मार ही नहीं पा रहा, और गाइस जो बंदा है गाइस सामने वाला बंदा वही मुझे डैमेज दे रहा है, ठीक है। यहां पे मैं उतना डैमेज दे ही नहीं पा रहा, और मेरा मुझे वो बोलता ना गाइस बुलेट को रोकता है गाइस, उतना रोक भी नहीं पा रहा था गाइस, ठीक है। मतलब ये सच बात है गाइस, केंटा उतना ओवरपावर्ड नहीं है, उससे अच्छा मैं उकोंग यूज करूंगा, उससे अच्छा मैं स्काइलर यूज करूंगा, क्रोनो यूज करूंगा, लेकिन केंटा यूज नहीं कर सकता यार, सच में बोल रहा हूं यार, इस बात को समझो एंड कंफ्यूजन मत रहना। बाकी
हमें क्या पता है गाइस, हम लोग को एक चीज में आपको बोला था कि यार व्हाट इज कटलिस्टो एल शेप रस, ठीक है, मतलब कटलिस्टो में आप लोग एल शेप में रस कैसे कर सकते हो, इसका सीक्रेट है गाइस, ठीक है मेरे पास। चलो मैं आपको दिखाता हूं कैसा। तो क्लैश स्क्वाड में रैंक पुशिंग करना सबको मजा आता है, लेकिन जो एल शेप है कटलिस्टो में वहां थोड़ा सा हम लोग को टाइट हो जाता है हवा गाइस, ठीक है। देखो हम लोग एक इंपॉर्टेंट काम करेंगे, वो है गाइस यहां पे मैंने अपने टीममेट को बोला कि भाई तू मोको यूज करके आ, ठीक है। तो वो क्या क्या मोको यूज कर रहा है, साथ ही मैंने उसको बोला कि भाई कॉल दे अगर बंदा नॉक हो रहा है, तो उसने मुझे डायरेक्ट बोला भाई रश कर दो एक बंदा नॉक है। तो मैं सीधा गया और डायरेक्ट ऊपर चला गया, यहाँ पे एक बंदा नीचे गया, आप लोग देख पा रहे हो गाइस, उसको मैंने बोला भाई तू जा मैं इसको बंदा मारता हूं, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने एक बंदा नॉक किया MP40 से, साथ ही साथ अब मैंने सोचा यहाँ पे एक बंदा पैक है इसको छोड़ दे, इसको क्लियर करते हैं। नीचे वाला बंदा मुझे पता था आ रहा है, इसलिए मैं गाइस मुझे ऐसे डायरेक्ट आया एंड डायरेक्ट इसको खत्म कर दिया, नॉक कर दिया गाइस, ठीक है। अब इसको गाइस वो एनिमी जो है इसका टीममेट कॉल दे, ठीक है, एनिमी खुद को कॉल दे रहा है कि भाई कहां पे तू जल्दी आ, एंड लेकिन यहां पे मैं इसको भी मार देगा, ठीक है। अब देखो मैम मुझे ट्रिपल किल मिल गया गाइस डायरेक्ट रश करने पे। बस आपको सोचो गाइस आप लोगों का बंदा है जो रखना है गाइस उनको बस बोलो कि भाई मुझे कॉल दे नॉक वाले बंदे को, ठीक है, मैं डायरेक्ट रश कर दूंगा, और अगर मोको है तो और अच्छा काम कर रहा होगा, ठीक है। तो एल शेप में हमेशा दिमाग से स्ट्रेटजी फॉलो करना है। मैंने आपको बोला था नेक्स्ट टाइम मैप पे बहुत बंदे एक प्रॉब्लम फेस करते हैं फार्मोटोपिया में, कैसा मतलब प्रॉब्लम है मैं आपको सिखाऊंगा, प्लीज आ जाओ। तो फ्रेंड्स यहां पे देखो गाइस मैं स्काइलर लेके आया था उस दिन, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैप का फार्मोटोपिया मैप खेल रहा था, एंड मेरा जो स्ट्रेटजी रहता है मैं इसी जगह में बैठता हूं, ठीक है, हमेशा इसी जगह में बैठता हूं। और यहां पे देख रहे हो गाइस यहां पे एक जो ट्रेन गाड़ी आ रहा है, ठीक है, ऊपर मैं आपको इसको ट्रेन गाड़ी बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि फ्री फायर में हम लोग जो फ्रेंड्स वगैरह वो इसको यही बोलते हैं, ठीक है, गाड़ी आता है ऊपर से, ठीक है, तो ऐसे हम लोग समझ लोगे, ठीक है। अब यहां पे देखो मैं मार्क्समैन वेपन चला रहा हूं, ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ गाइस मेरा टीममेट नॉक हो गया, मैं इसको रिवाइव करता हूं, ठीक है। अब यहां पे देखो गाइस क्या हुआ गाइस मेरा टीममेट जो है गाइस वो बोलता है कि स्कैरक्रो भाई आप इधर ही बैठो, लेकिन मैं बोला कि भाई तू चिंता मत कर मेरा वो जो सामने वाला बंदा है वो ऑर्म यूज कर रहा है, ठीक है, तो मैंने बोला भाई तू इधर बैठ मैं इसको मार रहा हूं, ठीक है। अब देखो मैं यहां पे सो के मार दिया, मेरा स्ट्रेटजी मैं अपना काम सही से कर रहा हूं, ठीक है, मेरा कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन जो एनिमी है वो ऑर्म यूज कर रहा है। मैंने बोला तो एक काम कर तू लोग गेम प्ले कर, मैं अपना काम करता ऑर्म वाले बंदे को संभालता हूं, ठीक है। अब मैंने ये बोल के गाइस सीधा चला गया, ठीक है, इस ट्रेन में कूद गया, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या हुआ, अब जो सामने वाला बंदा है बहुत गंदा डैमेज दिया, फिर से मुझे 150 का डैमेज दिया। अब मैंने बोला मैं इसका माइंड डाइवर्ट करता हूं, तू लोग अपना गेम प्ले कर, ठीक है, चाहे जोन आ रहा है कुछ भी आ रहा है तू अपना गेम प्ले कर, ठीक है। अब यहां पे मैंने सोचा एक काम करता हूं इसको फटाफट से ना इसको मारूंगा, ठीक है, जैसे आगे जाएगा फिर से, लेकिन यहां पे पीछे से क्या हुआ जोन आ रहा था, ठीक है, मुझे ये बात का अंदाजा नहीं था कि पीछे मेरे से आएगा, मैं सोचा जोन उसके पास से पहले आएगा, लेकिन जोन मेरे पास से पहले आया, एंड यहां पे देखते देखते वो बंदा भी नॉक हो गया, साथ साथ मेरा दूसरा दो बंदे भी नॉक हो गया, आप लोग देख पा रहे हो गाइस। अब जो एनिमी था वो देखते देखते वो भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि जोन का किसी को आइडिया रहता नहीं है फार्मोटोपिया मैप में गाइस, ठीक है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं फार्मोटोपिया मैप में आप लोग जैसे जोन देखोगे प्लीज नीचे आ जाओ, ठीक है। स्कैरक्रो गेमिंग की ये वीडियो भी आप भरपूर शेयर एंड लाइक करोगे आप लोग के प्यारे भरे कमेंट का दिल से शुक्रिया। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।